सूरत बनाई हुई है। अच्छा सुनो, डेट अच्छी रही मेरी। सबसे अच्छी बात, बंदे का दिल बड़ा था, कंजूस नहीं था औरों की तरह। पिछला वाला कितना खबीस था, बिल आया तो कहने लगा अमेरिकन सिस्टम चलेगा, तुम अपना बिल पे करो और मैं अपना। वैसे भी मैंने तो चाय पी है, सैंडविच और डोनट्स तो तुमने खाया था, और उसने अपनी चाय के 150 पे किए और बकाए के 600 मैंने। हुआ क्या तुम्हें? एक ढंग का कपड़ा नहीं है जिसे पहन कर ना किसी से मिलने जा सकूं। तू इतनी लंबी है, तेरा कुछ भी मुझे पूरा नहीं आता। और जब से तुम पे ये साड़ियों का भूत सवार हुआ है तब से और ही मुसीबत है। पहले तो फिर एक आधी ना तुम्हारी कुर्ती मुझे पूरी आ जाती थी, अब वो भी नहीं। देख भी ना, लोगों में मुख्तलिफ नजर आने के लिए ना यूनिक तो बनना ही पड़ता है। और जहाँ मैं कॉटन की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ एंट्री मारती हूँ ना, तो लोग उचक उचक कर देखते हैं। ठीक है, कुछ मर्द ब्लाउज के नीचे मेरे गोरे पेट को ज्यादा गौर से देखते हैं, मगर कुछ मर्दों को औरत को इस लिबास में देखना नया नया और अच्छा सा लगता है, और एक बार के बाद पलट कर जरूर देखते हैं। मुकम्मल नंगी चली जाओ, फिर तो नजरें नहीं हटेंगी। What the fuck यार, क्या फायदा हम दोनों का एक साथ रहने का जब एक को दूसरे से कोई बेनिफिट ही नहीं है। मुझसे तो खैर तुम्हें हजारों बेनिफिट्स हैं। मैं ना कुछ देखती हूँ ऑनलाइन, मुझे कुछ मिल जाए, अच्छी सी कोई सेल लगी होगी ना, इतनी प्यारी कुर्ती खरीदूंगी ना मैं, बहुत प्यारी लगूंगी। औरत ना कपड़ों से मुतमईन होती है और ना ही मर्दों से, दोनों के ऑप्शन ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा होने चाहिए। क्यों भी ना, अच्छा था आज वाला, लेकिन जब गाड़ी में उसके साथ बैठी ऐसा लगा जैसे प्यास की बू फैल गई हो, और उस बगैरत को एहसास ही नहीं हुआ। मैंने अपने बैग से परफ्यूम निकाल कर छिड़का तो कहने लगा मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। परफ्यूम से एलर्जी? तभी तो उसकी पिकोड़ा ना खुशबू और बदबू के एहसास से आ रही थी। आज वो आंटी फरहत को पैसे दे देना किराए के, कल बहुत बुरी तरह उन्होंने मुझे किराए का तकाजा किया था, मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी मोटी हराफा के कौन से यार हैं, मैं पैसा लुटाने के लिए बेचैन रहती है। सब कई होते हैं यार, इतने पैसे वाली औरत और दिल चिड़िया सा, मुझे तो बहुत करप्ट लगती है। अच्छा सुनो, अपने लिए चाय बनाने जाओ तो मेरे लिए बना देना। जरूर, बिल्कुल नहीं बना रही मैं अपने लिए चाय, तुम ना निकलो यहाँ से, चलो जल्दी ये पर पकड़ो अपना पर्स, मुझे तैयार होना है यार, मुझे मिलने जाना है, चलो निकलो। शाबाश, बाय। अजीब लड़की है यार, क्या पहने आज। हेलो, आ रहे हो? रीनास का पास्ता ले आना मेरे लिए, और ना कोई कॉफी शॉफी भी पकड़ लाना है। ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ।
वाह जी वाह, बड़े कपड़े पहने हुए हैं। बस बस जी, लकी दिन है। पतली होती ना तो तुमसे मांग लेती। वाह जी वाह, ए की बात जी, ए की गिल्ला गिल्ला, ए गूंद नु मां की है। कुछ गिर गया होगा। आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन ना किया करें मुझसे, काम करें अपना। बाजी तड़ी सेली नी साड़ी आले बालकनी च खड़ी सी, तो सामने प्रोफेसर दा मुंडा नी, वो एक्सरसाइज कर रहा सी नंगा तड़ंगा। नंग तड़ंग का मतलब होता है पूरा नंगा शबाना बाजी। वो तो बाजी निक्की जी निक्कर पाई है, नंगा ही तड़ंग होया ना, सारा कुछ ते नजर आन डिया सी, उत्तों सीने ते वाल भी कोई नहीं। फैक्स करते ने राम दे। तो बाजी हिबत करने वाले अल्लाह माफ करे, ताड़ी सेली उन वेंच वेख रही सी टिकटकी लगा के, जो चरस वाला सिगरेट नहीं पीता होंगे, उतना इंच पल्लू सुट के ना सारा कुछ बाहर। तुम्हारा ना सारा कुछ बाहर आ जाए। हे बच्ची, मैंने तो बड़ी शर्म मार ली, उसका मसला भी खड़ा हो गया। मैंने तो शर्म आंदी तो अड़ना भी गल कर दे। शिवाना बाजी आप ना प्लीज काम कर लें, खुदा का खौफ खाएं कोई। मैं तो काम ही कर रही हूँ, मैं कड़े इतने कोई गल भी ना दसो इन्ना। Oh Ganga, where have you been? The kind of intoxication and energy that burst forth. You shake and unlock a bottle of champagne. Kata laga, hai laga. I will not claim it that I know a lot about classical music. However, it was... Shabana Baji? Koi pagal hi hoega Baji, jada uchi awaaz ch padda ve. काटा लगा हाय लगा। अगला खैर करे, खैर तो फोन हो। हेलो की बुढ़ी डिग पई, तो बुढ़े की हड्डी भी टुट गई। हाय मैं मर गई। तू इंज कर, तू छेती नाल उन्हें खरैती हॉस्पिटल लै जा, नहीं तो तू रहने दे, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बाजी मेरी सास डिग पई, मैं बाकी का काम कल कर देंगी, मैं जावा। जाओ, तुम्हारा तो रोज का है, कोई ना कोई मसला खड़ा ही हो जाता है। बाजी मसला तो प्रोफेसर दे मुंडे का खड़ा होंगे, ताड़ी सहेली नू वेख के। मैं वैसे तो निक नसीहत कर दिया, एहो जिया नागरा तो ना अपना बॉयफ्रेंड बचा के रखो, घर उजाड़ देंदियां ने। हेलो, वो ना आपने नहीं आना, मैं खुद आ रही हूँ आपसे मिलने। ऐसी वैसी क्या बात होगी, फरत आंटी ने ना मना किया था कि यहाँ पे ना कोई लड़का दोस्त नजर ना आए, बड़ी सख्ती से मना किया, इसलिए मैं खुद आ रही हूँ आपसे मिलने। ठीक है ठीक है, ओके। उसने कब आना है? किसने? हारिस ने। ओहो, तुमने तो भाई नई साड़ी मटका ली। इधर आओ दिखाओ। वैसे ना जिस्म को एक्सपोज करना भी ना किसी किसी को ही आता है। मच डीप, वेरी मच डीप। हारिस नहीं आ रहा चंदा, तुम ना ये जाके बदल लो। फरत आंटी ने ना सख्ती से मना किया कि यहाँ कोई लड़का नजर ना आए। सोना ये तुम्हारा सब कुछ बनाओ सिंगार, ये सब कुछ साड़ी यूजलेस है, जाके बदल लो, कोई फायदा नहीं है, बदलो।